उर्दू या दक्षिणी ने सामान्य जनता को इस्लामी धर्मशास्त्र से परिचित कराया है। ये अंतिम सत्य नहीं है, कारण उर्दू या दक्षिणी में ऐसी असंख्य कृतियाँ हैं जो किसी एक समुदाय से संबंधित नहीं हैं। कृतियाँ सार्वदेशिक और शाश्वत होती है। शाश्वत और सार्वदेशिक मानवीय उदाता रागात्मकता के अभाव में किसी भी भाषा का साहित्य गौरवान्वित नहीं हो सकता। यह भी सच है कि दक्षिणी गद्य साहित्य का अधिकतर अंश इस्लाम धर्म से संबंधित रहा है, जिसमें कई आख्यानक शुक सप्तपदी संस्कृत से ली गई है, जैन कथाओं के अंश लिए गए हैं, लोक कथाओं मैना सतवंती के अंश लिए गए हैं, चंदन वदर और मह्यार लिए गए हैं, यहाँ तक कि लोरिकायन का भी प्रभाव यहाँ पर है। कैसे ये गुथियाँ उलझनी चाहिए या सुलझनी चाहिए कि जो लोरिका चंदायन उत्तर भारत में है, मैना सतवंती है, सैफुलमल की कथाओं में देख लीजिए किस तरह संस्कृति रच बस जाती है। अगर कुतुबशाही वंश परंपरा में भागीरथी का पुत्र कुलियात लिखता है और उसे अब्राहम अदिल शाह की माँ भी हिंदू थी, तो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का जो एक जोबन देखने को मिलता है 16वीं-17वीं शताब्दी में, वह अन्य क्षेत्रों में अनुपलब्ध है। दक्षिण ने कई ऐतिहासिक कारणों से फारसी कथाओं और यानी सभ्यता को प्रभाव के प्रभाव को भारतीय संस्कृति के अनुगमन के साथ स्वीकारा है। मैं फिर ध्यान चाहूँगा मित्रों, उत्तर में जो शासक थे वो सुन्नी थे और यहाँ शिया थे। इन लोगों का ईरान से संबंध रहे और ईरान के और मुगलों की हमेशा टक्कर रही अफगानिस्तान को लेकर, कंधार को लेकर। हमें ऐतिहासिक संदर्भ को नहीं भूलना चाहिए। बड़े दुख की बात है, बच्चन सिंह जैसा अतकचरा आलोचक ये लिखता है कि दक्षिणी की कथाओं में भारतीय संस्कृति नहीं है, जो उनके अनपढ़ अतकच्चेपन का सगा है। काश वो राहुल को या ग्रियसन को पढ़ लेते। बहुत कुछ गलत होता है, लेकिन कौन किसको खबर रहती है। अगर हमारे पांचाल जी कविता में काम करेंगे तो गद्य को भूल जाएंगे, गद्य में काम करेंगे तो कविता को भूल जाएंगे, दोनों में काम करेंगे तो ऐतिहासिक संदर्भ को भूल जाएंगे और भारतीय भाषाओं के संदर्भ के पटल पर देखने की कोशिश करेंगे, तो मैं उनको भी प्रणाम कर लूँगा। वास्तव में दक्षिणी भारत देखिए, जिसकी ताईद सैदा जाफर, जीनत साजिदा, श्रीराम शर्मा, कुरुतन हैदर आदि ने की है। वास्तव में दक्षिणी भारतीय भाषा है, इसका अधिकांश भाग मूल रूप से भारतीय है। प्राचीन दक्षिणी के गद्य रूप में अब आपके सामने एकनाथ 16वीं शताब्दी, उसकी कुछ पंक्तियां पेश करने की अनुमति चाहूँगा। एकनाथ मराठी के साथ साथ दक्षिणी के भी श्रेष्ठ रचनाकार है। मैं चाहता हूँ मेरे मित्र जो बेग साहब आए हैं थोड़ा तवज्जो दें। एकनाथ ने बाजीगर और मदारियों की भाषा शिल्प का प्रयोग अपनी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिए किया था। वैसे बाजीगर और मदारी पूरे देश में भ्रमण करते हैं, वे विशेष ढंग से पदों और शब्दों का उच्चारण करते हैं। इनके माध्यम से एकनाथ ने सूफी साधकों की परंपरा में निर्गुण विचारधारा के समेत प्रभाव से अर्ज, अर्जदास, महार के बहाने तत्कालीन पटेल, पटवारी, शेठ, देशमुख आदि ठगी और गांवों की दुर्दशा का वर्णन किया है। आध्यात्मिक ज्ञान की अवधारणा रखी है। यहाँ सपेरे से संबंधित एक तुकांत गद्य है। सपेरे के बोलचाल, उसके लटके, नाच नखरे, दीनता, व्यवस्था सभी कुछ इसमें समाविष्ट है। सांप छोड़ने के पहले सपेरा ईश्वर का ध्यान करता है। 16वीं शताब्दी का दक्षिणी गद्य। अव्वल याद करो उस्ताद को, गुरु पीर पैगंबर को, याद करो करतार को जिसने मंडाम पैदा किया है। मंडाम का अर्थ संसार होता है। सपेरे के माध्यम से आध्यात्मिक कहानी इस प्रकार गद्य में होती है। अव्वल देखे एक था खुदा, ईश्वर, गॉड, कुछ भी कहिए। अव्वल देखे एक था, उसे नाम न था, नाम दरमियाने पैदा हुआ। चल चल चल, अव्वल तो एक, एक दो तीन, 203, 304, 405, 525, 25 से 36, 36 का भी एक रैया है। 100 गुरु गाड़ी को याद है और देखा कैसा खेल बनाया। चल चल चल, क्रोध का बिच्छू बाहर काड़ा उसका दिख रहा है, सिर को चढ़ा, जपी तपी सन्यासी को तोड़ डाला, समाज को देखो भाई बिच्छू ने मांगी। अरे बिच्छुआ ने डंक मारा, ये तो लोकगीतों में है जहाँ वो रगात्मिक इरोटिक संदर्भ में है और सेक्स के संदर्भ में आता है। और सपेरे का यहाँ पर ईश्वर के साधन में देखिए, भागो रे भागो रे, दौड़े दौड़ो, गुरु के चरण पकड़ो, तो ऐसा पढ़ो कि गुरु के पाँव कभी न छोड़ो, वहाँ कोई न चले। ममता नागन का जहर बुरा है, वो कैसे चलती है, बड़े से बड़े लड़ते हैं ना लड़े तो ऐसी हिम्मत को बताऊं। सुनो रे भाई सुनो, गुरु पीर का हाथ का मोहरा। अब देखिए ये भाषा आज भी समझ में आती है दक्षिणी की जो 16वीं शताब्दी की है। गुरु पीर के हाथ का मोहरा, निर्गुण संप्रदाय भी यहाँ है, सूफी संप्रदाय भी है, दक्षिणी की आध्यात्मिक साधना यहाँ, इस्लाम की मनायत। हाँ मुझे याद आया कि इस समय 400 वर्ष हो रहे हैं और उस संतों में मराठी संतों के तुकाराम की हम बात करते हैं, तो मनाशे श्लोक को पढ़ करके, समर्थ रामदास के मनाशे श्लोक को पढ़ करके मन समझावन कृति फारसी नुस्खी लिपि में लिखी गई है और जो हमारी सांस्कृतिक सौम्यता का एक मियार है।
गुरु पीर के हाथ का मोहरा तुम्हारा हाथ चले चुनार को नागन का तुटे मारा सो कभी ना आवने नहीं मना मनसा साफ करो शांति पिटारी में कसको डारो डारो भाई डारो बाहर तो वेग सिक्का मारो एका हांडी बाग दिया खेल सो हो गया आलस्य खेल। ये देखिए नामदेव की भाषा एकनाथ और एकनाथ के संदर्भ में। एकनाथ के उपरीत गद्य काव्य में अनेक रूपक उपलब्ध होते हैं। क्रोध विषय वासना और ममता इन सबको एकनाथ परम शत्रु मानते हैं। वे शत्रु अजय हैं। केवल गुरु ही इन शत्रुओं को पराजित कर सकता है। निर्गुण संप्रदाय सूफी संप्रदाय नाथों ने साधना पद्धति में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया। गुरु का यह स्वभाव एकनाथ ने नाथ संप्रदाय से प्राप्त किया। गुरु ही गारुड़ी है। वैसे गारुड़ी का शब्दार्थ मदारी सपेरा है। आध्यात्मिक और दक्षिणी भाषा की दृष्टि से इसका एक अलग ही विशिष्ट महत्व है। अब देखिए एकनाथ हांडी बाग बड़ा अलबेला हांडी बाग गारुड़ी जादूगर हाथ हलावे पांव हलावे भले हवाले लोग भूल हांडी बाग बाप बड़ा या बेटा बड़ा वैसे बाप के आगे बेटा बड़ा बाप खड़ा गुरु बड़ा कि चेला बड़ा चेले आगे गुरु खड़ा चेला तो प्रेम महल पर चढ़ा धनी आकर क्या चाकर रहा चाकर आकर धनी खड़ा। जो मदारियों सपेरे की भाषा है आज भी हम देखते हैं इस तरह शब्दों के लटके छटके उनके पास चलते हैं। चाकर आगे धनी खड़ा सास बड़ी की बहु बड़ी बांदी आगे बीबी खड़ी निराधार को लेकर छड़ी बीबी खसम के छाती पर खड़ी। अब बीबी खसम के छाती पर खड़ी क्यों शिव ललकारे गए थे शक्ति द्वारा और शिव जमीन पे थे और शक्ति का पैर उसके पर हमें काली की प्रतिमा याद है। बीबी छाती की बीबी खसम की छाती पर खड़ी मैं ते बड़ा क्या मैं बड़ा मेरे गुरु ज्ञानी को गुण लगाऊं लोभ आंधे को उड़ाऊं फक मारूं तो जा जा फूक मारूं तो जा जा बोध के पहाड़ पर जा तेरा तूर पर जाना नाबीना होता है। अब कौकाफ के तूर की बात करेंगे या इस्लाम के तूर की बात करेंगे या टेन कमांडेंट्स की बात करेंगे क्योंकि जहां क्रिश्चियनिटी अपने आधे सिद्धांत बौद्ध दर्शन से लेती है और इस्लाम भी आधे सिद्धांत क्रिश्चियनिटी से लेता है वहाँ भी फातिमा है वहाँ मौजस है या मूसा है संस्कृति के धरातल पर। बच्चा जहाँ आना नहीं ताना नहीं मेरे सदगुरु दाता को शरण जा मेरे सदगुरु दाता की इतना ही लकड़ी मूल अंतर हाथ मोह फकरी जीवर दौरा उधर दौरी फिर देखे तो तेरी साथ देख अभी करूँगा कबूतर का तमाशा बिन पर से उड़ता है कैसा। मित्रों बहुत सारे ये पेपर आपके पास आ जाएगा इसमें वासना है मिलाप है विरह है प्रेम है तपस्या है। राहुल संकरताय ने दक्षिणी साहित्य को हिंदी साहित्य की निधि अभिज्ञापित किया है। वैसे दक्षिणी के प्रथम ग्रंथकार ख्वाजा बंदे नवाज 14-15 शताब्दी इनका ग्रंथ मिराजुल आशिकिनी खड़ी बोली ग्रंथ का प्राचीनतम नमूना है। और जो कवड़े साहब का जिक्र कर रहे थे एक भालचंद्र राव तेलंग हुए हैं पद्माकर के पौत्र दखनी यानी पद्य दखनी हिंदी हिंदवी दखनी बाकायद उनकी किताब है और अपने पीएफ के पैसों से उन्होंने प्रकाशित किया था औरंगाबाद यूनिवर्सिटी के पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। बड़ा दर्द होता है उसकी तस्वीर उस डिपार्टमेंट में कहीं नहीं है बालचंद्राम तेलंग की जिसके कोटेशन नामर सिंह ने बड़ी श्रद्धा से लिए दखनी के लिए। प्रामाणिक रूप से दखनी का पहला कवि निजामी था जो बहमनी सुल्तान अहमद शाह तृतीय के काल 15वीं शताब्दी मौजूद था। उसकी कदम राव और पदम राव जिसपे हमारे कुंज मेथर ने काम किया है पहली रचना है। मुला वजी का प्रसिद्ध ग्रंथ कुतुब मुशरी 1635 में लिखा गया। गवासी की मसनी सैफुल मुल्क और बदी जमाल 1609 ईस्वी तूतीनामा 1639 वजही की उतुल मुशरी 1609 इल निशाती का फुलबन जो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में रहा। पर मैं ये कहना चाहूँगा सबरस में मानसिक विचार कथा के पात्र बन के प्रकट होते हैं कदम राव पदम राव और फुलबन में जैन परंपरा की कहानी है। अवस्थी जी जरा ध्यान चाहिए आपका कदम राव और पदम राव में और फूलबन में जैन परंपरा की कहानियां हैं और कई परिवर्तन के साथ। कुतुब मुसरी का नायक रचनाकार मुल्ला वजी का आश्रयदाता है। मैं अधिक डिटेल में जाऊंगा कि एक अन्य हमारे साथी उस पेपर पर पढ़ रहे हैं। ईरान और भारत की सांस्कृतिक परंपरा मिली जुली है। निजामी का मसनवी कदम राव पदम राव फिरोज का यूसुफनामा फिरोज के यूसुफनामा पर इस समय सागर यूनिवर्सिटी के व्यक्ति ने पीएचडी की है और बाकायदा भारतवर्ष के प्रदेशों के आपसे मेल मिलाप की बात भी किया। अशरफ का नौसफहार हुसैन की पत्नी जैनब के सौंदर्य का वर्णन मैं दो पंक्तियों की याद चाहूँगा। जैनब है उसका नाम नयन सलेनो सो बादाम माथा जानो चांद उलाट पलका जानो कान कमल दांत बतीसी जैसी जान जैसे हीरे केरी खान सब जब बाहा केले के खाम। अब केले के स्तंभों का चिकनापन और उसके बाहों का जोबन वाली आनाबाम अशरफ ने जो नक्शिक सौंदर्य प्रणाली अपनाई है काश मैंने बच्चन सिंह को इसका कोटेशन भी दिया था कहा था कि ये भारतीय सांस्कृतिक उपमाएँ हैं। खैर मिराजुल आशकिन का एक नमूना पेश करना चाहूँगा ये 15वीं शताब्दी का गद्य
पूरी भारतीय भाषाओं में इस तरह का गद्य 84 वर्षों की वार्ता 292 वर्षों की वार्ता यह है, और पुर्तगीज भाषा के अवशेष से कोंकणी भाषा में अन्य भारतीय भाषाओं में गद्य नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया है, यानी मैं तुम्हारे तना में हूँ, तुम मुझे देखते नहीं। और हजरत अली फरमाते हैं, यानी जब कोई अपने नफस को समझा, पस तहकीक समझा अपने परवरदिगार को। फिर डिटेल्स आगे हैं। अब चार दौर रहे हैं कुतुब शाही शासन में। दक्षिणी साहित्य इतिहासकारों ने दौर शीर्षक दिया है। कुतुब शाही शासन में मिराजी हसन खुदानामा, शरत मही दे हमानी अथवा शरत तमीद, मौला अब्दुल्ला, आकामुल सलवात, नमाज प्रक्रिया का वर्णन, यह है कर्नाटक यूनिवर्सिटी में गुलबर्गा में है। वजही सबरस, मीरा याकूब, शुमत इतुल अतिकिया, आबिशाह अल हसन उल हुसैनी, कुजमुल मोम नीन गुलजार, उलसाली कीर सूफी सिद्धांत परक, दारुल इसरार, यह भी कहीं पढ़ाई जाती है। अदिल शाह दौर में भी कुछ किताबें लिखी गई। खास किताबें हैं बुरादीन जानम की मारफत उल कुतुब हस मसायल, अमीदुन आला की रिसाला गुफ्तार। दखनी का तीसरा दौर रहा है। डॉक्टर जोर ने इसे 1150, बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है डॉक्टर मोहम्मद कादरी जोर का, उस्मान यूनिवर्सिटी में काफ़ी काम हुआ इस बारे में। डॉक्टर जोर ने इसे 1150 ईस्वी से पूर्व की कृति प्रमाणित करने का प्रयास किया है, किंतु भाषा के विकास क्रम से उनका अभिमत सही नहीं है। वैसे डॉक्टर जोर ने लिखा है, रिसाले के मुताले से पता चलता है यह रिसाले के बजाय खुद एक किताब है। इसका मुसन्निफ कोई दखनी आलिम है जिसे कुरान हदीस का गहरा मुताबला किया है और जिसको लिखने की भी अच्छी महारत है। मुसन्निफ का नाम मालूम न हो सका और यह रिसाला दखनी किताब में खास अहमियत रखता है, जबकि ब्रज भाषा में भी हकीकत हकायक हकीकत ऐसी किताबें मिली जो ब्रज भाषा की है और बहुत पहले छपी थी बनारस से, अभी भी कई जखीरे बाकी हैं। दोस्तों, दखनी के चौथे दौर में आध्यात्मिक विषयों की बात होती है। मार्फत उल मुल्क हिंदी के रचनाकार हैं शाह मोहम्मद वली कादरी, आर्टिकल आपको मिल जाएगा। मैं कुछ खास बातों की ध्यान चाहूँगा। तूती नामा, इसका एक अनुवाद अबुल फजल नामक व्यक्ति ने किया है जिसकी प्रति ब्रिटिश संग्रहालय में उपलब्ध है। इसी तूती नामा का दूसरा अनुवाद सैयद मोहम्मद कादरी ने किया है जिसकी प्रतिलिपि 1146 हिजरी अर्थात 1734 ईस्वी में तैयार हुई। इस समय इसकी प्रतिलिपि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हस्तलिखित ग्रंथाकार में है। इसकी भाषा शैली का नमूना है, पीछे 100 तरह तरह सिफत और सीना पैदा करते हुए जमीन आसमान की कैफत यूं है कि दास्तान कसाहत और हिकायत हजरत बख्शी रहमतुल्लाह के बेजा तूतीनामा के साथ इबादत सख्त और दखील के लिखे। दोस्तों, बहुत सी बातें ऐसी है, मैं भी कुछ सुनना चाहूँगा। आप इस्लाम की कुछ बातें भी धर्मोपदेश के रूप में की गई। मौत तफसीर से अरबी और फारसी है, लेकिन दखनी तफसीर शायद के कम है बल्कि नहीं है। इस वास्ते सब मर्दों औरतों को कुरान आमरजात के दानी मालूम होकर आलम को फ़ायदा होने के वास्ते दखनी जुबान से बनाया है। स्त्रियों के बारे में जहाँ पूरी गालियाँ मिलती है निर्गुण संप्रदाय के जितने रहे हैं अधिकांश लोग, कि माया है, कुलटा है, डाकिनी है और जिसकी झाई परत अंध होत भुजन की बात है, लेकिन नारियों के प्रति दक्षिणी में बहुत सद्भावना और इज्जत से साथ बातें मिलती है। और कहा जाता है कि यह शादी होती तो इसको दहेज में दिया भी जाता था। मोहम्मद शरीफ कृत गंज मखफी एक गद्यात्मक धार्मिक कृति है जिसकी 17वीं शती के अंत और 18वीं शती के प्रारंभ का नमूना है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि वे फकीरी मेरी बुजुर्गी है। नकल है कि एक रोज़ हजरत रसूलुल्लाह नमाज गुजार कर पीर मुबारक किबला तरफ करके बैठे। यारा पूछे कि यहाँ रसूलुल्लाह असल फ़कीर का है। रसूलुल्लाह फरमाए कि असल फ़कीरी करामात है, जाकी करामात हैं। दोस्तों, 350 साल पहले जो सबरस कृति लिखी गई 1636 में, मुला वजी ने उसका एक अंश। इस किताब का नाम सबरस, सबको आवे हवस, बोल बोल को बड़े उमस, यादगार होगो तो अच्छेगा दुनिया में लाख बरस, भोती चिल अजीज, आशिक के गले का तावीज, जिसमें है कुछ इश्क का दर्द, इस किताब को सीने पर ते हितालिस ना, इस किताब के बगैर कोई अपना वक्त गुलामी भुलाने ना, अगर दीन हो दुनिया का उम्मीद पाने मांगता है तो ये किताब देख, मुसलमाना में पीर मुर्शद होएगा, हिंदुओं में जंगम रूह होगा। अब जंगम जैसी बात कर रहे हैं तो शिव दर्शन की बात आती है, वहाँ के लिंगायत लोग आज भी गले में शिवलिंग अपनाते हैं। ये हजब और असर है, जानो तो बहिश्त में का असर है, 70-70 पर नूर हर एक में बूल चकहूर। दोस्तों, आंसू सौंदर्य शराब की भी उन्होंने कई बातें की है। प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए सौंदर्य को अनिवार्य माना है। हुस्न आफ्ताब है, पर्दे में तो उजाला पड़े, हुस्न का हुक्म लाजवाब है, दिल में तो इश्क तो मैदान में काड़े, अगर हुस्न पर्दा ना करते तो एक आशिक ना जीवता,
सब लई तड़ मरते जिसका हुस्न रस्म है बहुत बड़ा तिलिस्म है इस तिलिस्म में कोई छूट नहीं सकता। शराब की प्रशंसा वजह ने कई जगह की है लेकिन उनका शराब जो है मैखाने जो इबादत के संदर्भ में है श्लेष अर्थ में लीजिए नहीं पाया सो शराब को क्या पहचाने शराब को अपने पीना या उतना अछना के शराब के आपस को पिए शराब हुस्न का जरीना है मैखाना इश्क का मदीना है आशी की इबादत हुस्न देखना राग सुनना शराब पीना है। मैं बेशरा और बाशरा लोगों की बात नहीं करूँगा सिर्फ एक सौंदर्य बोधी और समाज शास्त्र रुझान के लिए गद्दी का एक छोटा सा नमूना जहाँ औरतों के लिए निर्गुण संप्रदाय को छोड़ दीजिए आप इसलिए उनका कथन है वजही का भाई औरतों को शाबाश कहना भाई औरतों को शाबाश कहना अपन शर्म सो आपस को संभालतियाँ एक पर तप घालतियाँ एक से खातिर छ अपना तन मन वारतियाँ यानी जोबल गलतियाँ बाजी औरतें मर्दा खातिर सतियाँ हुई है बाज औरतें मर्दों का सती हुई है लेकिन कितने मर्द ऐसे हैं जो औरतों के मरने पर खुद सती हुए सता हुए हैं। पांचाल जी इस पर रोशनी डालेंगे पांचाल जी हमारे गुरु हैं। बाजी औरतें मर्दा खातिर सतियां हुई हैं आज भी जलियां हैं औरतों में बहुत शर्म है यानी मर्दों को शर्म नहीं है शायद औरतों में बहुत नेम धर्म है औरतें बिचारी बहुत भलियां हैं कौन मर्द मुई तो आखिर खातिर आपे भी मुआ आखिर कौन सा मर्द ऐसा है जो औरत के मर्द में खुद मुआ मरा एक मुई तो दूसरी किया दूसरी औरत का मर्द हुआ तो औरतों में सत है मर्दों में कहाँ धर्म सो जानिया दुख लाते अपनी शर्म मर्द को मोम का दिल औरतों का फौलाद का दिल क्या बात है औरतों को फौलाद का दिल है इसीलिए वो जालिम कहलाती है हुस्न की मलिका कहलाती है पता नहीं क्या क्या मोम फौलाद से क्या करना बहुत मुश्किल मर्दों की मोहब्बत झूठी लाफ मर्दों की मोहब्बत झूठी होती है अताल दुनिया में कह रही है इंसाफ इश्क अगर इबादत है तो हुस्न भी माध्यम होता है पर हमारे हिंदुस्तान में नालायक पति भी आराध्य और बुद्धिशील स्त्री अपने पवित्र चरित्र के बावजूद दासी बनी जाती है। अंत में श्री रंगपट्टनम जो मैसूर का पार्श्वती तीर्थ स्थल है जो कभी पूर्ववर्ती कर्नाटक की राजधानी रही है इसी टीपू सुल्तान के पूर्वजों शासन था तारीखी श्री दक्षिणी की रचनाओं में तारीख श्री रंगपट्टनम 1802 भी बहुत महत्वपूर्ण कृति है जिसकी भाषा का नमूना जब दीवान पटल के देखिए दक्षिणी कैसी है ये हिंदी से अलग थोड़ी है उर्दू से कहाँ अलग है जब दीवान पटल के तख्त के राजा से हुक्म लिए वास्ते तकरीर करने रियासत मसूर के तैयार हुआ और असबाब जंगी लिया फौज तमाम सवारा की सराय से बुला भेजा कासिद के हाथ देकर बेंगलुरु को रवाना किया ऐसा उस फरमान में लिखा था कि ये खास सवारी मैं लश्कर वास्ते लेने सल्तनत देवन हल्ली के रौनक अफजा हुई है बल्कि मोर्चा बदन की कामगिरी शुरू हुई है। आसिद शपाशप दौड़कर परवाना लेकर राजा मस्कूर कते पहुंचा और राजा परवाना लेकर अपने सर पर रखा और बोसा चुम्बन लिया आखिर आंखा को लगाकर मुंशी के हाथ पढ़ने दिया। दोस्तों शायद कभी आप सार्वजनिक म्यूजियम की लाइब्रेरी में जाए तलातुल वजहत इस किताब है रिसाले तसव्वुफ वसरा अब्दुल हक्कर तसव्वुफ नूर कदरिया कादरीकत रिसाले मौजिया दखनी मीर असगर कृति काजी गुलदस्ते हिंदुस्तान 17वीं शताब्दी सैयद बुलाकीकत मजमुआ मसनियात हजरत समझ तब्दीश का रिसाला हशीस हिंदी गौसी दखनी का तफसीर पाराए गम और भी कई है गमान जमाने गम के सिवाय।